डियर स्टूडेंट, टुडे इज़ द लेक्चर नंबर 4 ऑफ किंगडम फंजाई एंड द टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। मतलब कि फंजाई किंगडम में भी 4 क्लासेस हैं और उन क्लासेस को किस क्राइटेरिया पर बांटा गया, ये भी एक अच्छा मेडिकल का क्वेश्चन है। तो इस किंगडम फंजाई में जो 4 क्लासेस हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, जिसकी बॉडी बनी होती है फंजाई की। फंजाई की बॉडी किसकी बनी होती है? माइसीलियम की। सो कैसा माइसीलियम है? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। सेकंड इज मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। तो पूरा किंगडम फंजाई इन 2 क्राइटेरिया पर 4 क्लासेस में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है 4 क्लासेस में। चलिए अब जानते हैं क्लासेस के नाम। फाइकोमाइसिटिस, जिसको एल्गल फंजाई भी बोलेंगे, लोअर फंजाई भी कहलाएंगे। एस्कोमाइसिटिस, जिसमें मल्टी सेलुलर फंजाई होंगी लेकिन एक ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई भी पाई जाएगी। इम्पॉर्टेंट मेडिकल क्वेश्चन। इसको सख फंजाई भी बोलते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट। बैसिडियोमाइसिटिस, इसको क्लब फंजाई बोलते हैं। क्लियर। ड्यूटेरोमाइसिटिस, इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम एंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, 4 क्लासेस में किंगडम फंजाई को डिवाइड किया गया। एक बार फिर से देखते हैं। फाइकोमाइसिटिस, जिसको मैंने कहा एल्गल फंजाई बोलेंगे क्योंकि ये एक्वाटिक हैबिटेट में पाई जाएंगी। एस्कोमाइसिटिस, जिसको SAC सेक फंजाई बोलेंगे। बैसिडियोमाइसिटिस को क्लब फंजाई बोलेंगे। ड्यूटेरोमाइसिटिस को क्या आल्सो नोन एज? ड्यूटेरोमाइसिटिस आल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्लियर। तो ये 4 क्लासेस हुई और चारों क्लासेस का क्या क्राइटेरिया था? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम एंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। चलिए बात करते हैं, एक जर्नल सी बात बताता हूँ। हम जानते हैं कि द बॉडी ऑफ फंजाई इज कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हाइफा। देखिए, मैंने इस पोर्शन को छुपा लिया, आपको मैंने एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाया, मैंने कहा ये हाइफा है। अब मैंने 2 ऐसे स्ट्रक्चर लिए, अब प्लूरल हो गया हाइफी, और ये हाइफी आपस में क्या है? इंटरवूवन। कैसे हैं? इंटरवूवन। जब ये इंटरवूवन हो गए आपस में, तब ये कहलाए माइसीलियम। आपने समझा मैंने क्या कहा? मैंने कहा इसको छुपाइए। मैंने कहा द बॉडी ऑफ द माइसीलियम इज कंसिस्ट ऑफ हाइफा, सिंगुलर हाइफा है। 2 मैंने इंक्लूड किए, हाइफी हो गया, इंटरवूवन हुए, माइसीलियम हो गया। तभी बुक में लिखा रहता है कि द बॉडी ऑफ द फंजाई इज मेड अप ऑफ माइसीलियम। क्लियर। अब देखिए बच्चों, ये 2 माइसीलियम बने। एक माइसीलियम में आपको कॉन्टीन्यूअस साइटोप्लाज्म दिख रहा है, दिख रहा है कॉन्टीन्यूअस, कोई भी पार्टीशन नहीं है। ऐसे माइसीलियम कहलाते हैं असेप्टेट। सेप्टा माने होता है डिवीज़न, सेप्टा माने होता है क्रॉस बॉल, ए माने बायो में होता है अब्सेंट। तो आप देखिए इस हाइसी में कहीं पर आपको सेप्टा दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। यानी मतलब ये कैसा माइसीलियम हो गया? असेप्टेट। आप देख रहे हैं मैंने ब्लैक कलर से बहुत से न्यूक्लियाई दिखाए, मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखाया है। इसी को ही कहते हैं सीनोसाइटिक। क्या कहते हैं? सीनोसाइटिक। तो ये माइसीलियम कैसा हो गया? एसेप्टेट सीनोसाइटिक माइसीलियम, क्योंकि इसमें क्रॉस बॉल नहीं है। ए माने एब्सेंट, सेप्टा माने क्रॉस बॉल। तो ऐसे भी फंजाई होंगे जिनके अंदर एसेप्टेट सीनोसाइटिक माइसीलियम होगा, जैसे कि किस क्लास में? फाइकोमाइसिटीज में। किसमें? फाइकोमाइसिटीज में। तो अब आप कह सकते हैं कि जो फाइकोमाइसिटीज क्लास है फंजाई की, उसका जो माइसीलियम है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, देखिए पहला वर्ड मेरा कैसा है, असेप्टेट सीनोसाइटिक माइसीलियम। द बॉडी ऑफ फंजाई इन क्लास फाइकोमाइसिटीज इज मेड अप ऑफ एसेप्टेट माइसीलियम। एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए मैंने वर्ड यूज किया सीनोसाइटिक माइसीलियम। क्लियर हुआ? अब इस स्ट्रक्चर को देखिए,
इसमें भी हाइफी आपस में इंटरवूमेन है, ब्रांच हैं, कैसी हैं, ब्रांच हैं, और बीच में इनके क्रॉस बॉल है, यानी हर एक अलग सेल का काम कर रही है। क्लियर हुआ? आपने देखा इसमें सेप्टा है, क्रॉस बॉल लगी हुई है बीच में। क्लियर? अब ऐसी हाइफी, ऐसा माइसीलियम कहलाता है सेप्टेट ब्रांच माइसीलियम। क्या कहलाता है? सेप्टा माने क्रॉस बॉल हो गया। देखिए क्रॉस बॉल ब्लैक कलर से दिख रहा है आपको, इसमें डिवीजन दिख रहा है हाइफी के अंदर, अलग अलग सेल का बिहेव कर रहा है, और ये कैसा हो गया? ब्रांच है, सेप्टेट है, और है क्या? क्योंकि जब हाइफी आपस में इंटरवूमेन हो गई तो कहलाया माइसीलियम। यही तो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था। तो दो तरीके के माइसीलियम किंगडम फंजाई में देखने को मिले, एसेप्टेट और सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब क्रॉस बॉल है, एसेप्टेट का मतलब क्रॉस बॉल नहीं है। क्लियर बात हुई बच्चों? जो एसेप्टेट सीनोसाइटिक माइसीलियम है वो एल्गल फंजाई, लोअर फंजाई या फाइकोमाइसिटिस, कुछ भी बोल लीजिए, उनमें पाया जाता है। बाकी जितनी भी क्लासेज हैं, एस्कोमाइसिटिस, सेक फंजाई मैंने बोला था, बेसिडियोमाइसिटिस, क्लब फंजाई मैंने वर्ड यूज़ किया, ड्यूटेरोमाइसिटिस, इट इज़ आल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, बाकी इन तीनों क्लासेस में, रेस्ट ऑफ द थ्री क्लासेस, द बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ सेप्टेट ब्रांच माइसीलियम। क्लियर? आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेस पर चारों क्लासेस में डिफरेंस पता लगा कि फाइकोमाइसिटिस में कैसा है? एसेप्टेट सीनोसाइटिक माइसीलियम, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस में कि बॉडी कैसे माइसीलियम की बनी हुई है? सेप्टेट ब्रांच माइसीलियम की। क्लियर बात हो गई है बच्चों? अब हम बात करेंगे पहली क्लास फाइकोमाइसिटिस की। चलिए आज इस लेक्चर में हम पहली क्लास लेकर चलेंगे फाइकोमाइसिटिस। देखने की कोशिश करिएगा फाइकोमाइसिटिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए क्लास फाइकोमाइसिटिस एल्गी की ऐसी क्लास है कि जितनी भी फंजाई हैं वो कहलाती हैं लोअर फंजाई। क्या कहलाती हैं? लोअर फंजाई। माइसीलियम कैसा था? एसेप्टेट सीनोसाइटिक माइसीलियम था। माइसीलियम कैसा है? एसेप्टेट, मैंने अभी समझाया था, एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लियर के लिए मैंने वर्ड यूज़ किया सीनोसाइटिक, एसेप्टेट सीनोसाइटिक माइसीलियम। फाइकोमाइसिटीज में जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट सीनोसाइटिक है। क्लियर हुआ बच्चों? जो मेंबर्स हैं फाइकोमाइसिटीज के वो कहाँ पाए जाते हैं? मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट। कहाँ पाए जाते हैं? एक्वाटिक हैबिटेट में। इस एक्वाटिक हैबिटेट में जब ये मेंबर पाए जाते हैं तभी इनको क्या कह देते हैं बच्चों? एल्गल फंजाई। क्लियर हुआ? बात कर रहे हैं इस लेक्चर में हम पहली क्लास फाइकोमाइसिटिस की, कि फाइकोमाइसिटिस में जो फंजाई हैं वो लोअर फंजाई कहलाती हैं, इनका माइसीलियम, क्योंकि मॉर्फोलॉजी के बेस पर क्लासिफाई किया गया, इनका माइसीलियम एसेप्टेट सीनोसाइटिक माइसीलियम है। कहाँ पाए जाते हैं? एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एल्गल फंजाई बोलते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? नाउ दे आर फाउंड ऑन डिकेइंग, जो सड़े गली चीज़ें होती हैं, वुड होती है, डिकेइंग वुड, लेकिन किस कंडीशन में हो? इन मॉइस्ट एंड डैम्प कंडीशन। कौन सी कंडीशन हो? जहाँ पे मॉइस्चर हो, मॉइस्ट कंडीशन हो, डैम्प कंडीशन हो, उस डिकेइंग वुड पर ये फंजाई पाई जाती हैं, फाइकोमाइसिटीज के मेंबर पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? नाउ इसमें बच्चों एक एग्जाम्पल है, एल्बिगो कैंडिडा कहलाता है, या सिस्टोपस कैंडिडस भी बोलते हैं। तो जो एल्बिगो है बच्चों वो ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई है, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। बच्चों जो एल्बिगो है वो वाइट रस्ट या वाइट स्पॉट डिजीज कॉज करता है। कौन से डिजीज कॉज करता है एल्बिगो कैंडिडा? एल्बिगो कैंडिडा कॉज द वाइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
वाइट रस्ट और वाइट स्पॉट डिजीज, वाइट रस्ट और वाइट स्पॉट डिजीज कॉज करता है। कहाँ कॉज करता है? मेंबर ऑफ फैमिली क्रूसीफराई, जिसमें मस्टर्ड आ जाता है, मेंबर ऑफ फैमिली क्रूसीफराई, क्रूसीफराई जो क्रूसीफ्राई मेंबर, क्रूसीफ्राई फैमिली के जो मेंबर हैं उनमें डिजीज कौन कॉज करता है? एल्बिगो। तो कैसा है? ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। तो आपने देखा कि जो फाइकोमाइसिटीज क्लास है उस फाइकोमाइसिटीज में लोअर फंजाई इनको बोलते हैं, इनका माइसीलियम एसेप्टेट सीनोसेटिक माइसीलियम होता है, ये एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं तभी ये एल्गल फंजाई कहलाते हैं, ये डिकेइंग वुड पर पाए जाते हैं मॉइस्ट और डैम्प कंडीशन में, और एल्बिगो कैंडिडा या सिस्टोपस कैंडिडस जो ऐसी स्पीसीज है जो वाइट रस्ट डिजीज कॉज करती है, मीन्स दैट पैरासिटिक फंजाई होती है। जो कौन सी डिजीज कॉज करती है? वाइट रस्ट और वाइट स्पॉट डिजीज इन द मेंबर ऑफ फैमिली क्रूसीफेराई। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं बच्चों, ये जो फंगस होता है इस फंगस में फाइकोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बच्चों फाइकोमाइसिटीज क्लास में जो फंगस पाए जाते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन ऑफ मोटाइल जूस्पोर्स, जूस्पोर्स कैसे होते थे? मोटाइल जूस्पोर्स से होता था, एप्लानोस्पोर्स, एप्लानो स्पोर्स ये कैसे होते थे? नॉन मोटाइल। एंड थर्ड वन इज कोनिडिया, मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया था कोनिडिया का और आपको बताया था कि जिस हाइफी पर कोनिडिया डेवलप होते हैं, जिस हाइफी पर कोनिडिया डेवलप होते हैं उस हाइफी को कहते हैं कोनिडियो फोर हाइफी। क्या कहते हैं? कोनिडियो फोर हाइफी। और इनके ऊपर क्या लगे होते हैं? कोनिडिया लगे होते हैं, ब्लैक कलर के कोनिडिया लगे होते हैं। और ये कोनिडिया कैसे होते हैं? एक्सोजिनस, क्योंकि बाहर है, अंदर नहीं बन रहे, बाहर लगे हुए फ्रीली, इसलिए एक्सोजिनस हैं, एंड दीज आर कॉल्ड कोनिडिया। तो बच्चों फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से, नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर्स से और मोटाइल जूस्पोर्स, इन तीन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किस क्लास में? आज हम बात कर रहे हैं फाइकोमाइसिटीज की। फाइकोमाइसिटीज क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल जूस्पोर्स, नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर्स, और आपने देखा कोनिडिया जो कि एक्सोजिनसली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस हाइफी पर लगा होते हैं कोनिडिया उसको कोनिडियो फोर बोलते हैं। क्लियर हुआ? आप जानते हैं हाइफी इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन केस ऑफ फंगस। चलिए बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बात करता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फाइकोमाइसिटीज में। बच्चों फाइकोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटीज कैसा है? देखिए बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, में भी आइसोगैमस वर्ड समझिए, आइसो माने क्या हुआ? सिमिलर, यानी दोनों जो गैमिट होंगे मेल फीमेल के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट फॉर्मेशन है, दोनों जो मेल और फीमेल गैमिट होंगे दे आर सिमिलर, दे आर सिमिलर, सिमिलर होंगे, एक जैसे शेप एंड साइज में होंगे, कहलाएंगे आइसोगैमस। और आइसोगैमस में भी आइसोगैमस, में भी एन आइसोगैमस, में भी एन आइसोगैमस, एन वर्ल्ड लगा दिया आगे, यानी मतलब डिससिमिलर हो गए, एक लार्ज साइज का हो गया जो फीमेल का काम कर रहा है, एक स्मॉल साइज हो गया जो मेल गैमिट का काम कर रहा है, यानी दे आर डिससिमिलर इन देयर साइज। क्लियर हुआ? तो फाइकोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, मे बी आइसोगैमस, मे बी एन आइसोगैमस, एंड मे बी अनदर फॉर्म ऑफ एन आइसोगैमस मीन्स दैट ओगैमस टाइप, मीन्स दैट ओगैमस टाइप जिसमें
जिसमें क्या होगा बच्चों, जिसमें फीमेल गैमीट लार्ज होगा, मेल गैमीट स्मॉल इन साइज होगा, और जो फीमेल गैमीट होगा वो नॉन मोटाइल होगा, मेल होगा वो मोटाइल इन नेचर होगा। तो तीन तरीके से हो सकता है, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन पाया जा सकता है सेक्सुअल, अनआइसोगैमस भी हो सकता है, डिससिमिलर भी हो सकते हैं गैमीट, एंड ओगैमस टाइप भी हो सकता है, मींस दैट द फॉर्म ऑफ अनआइसोगैमस। क्लियर हुआ? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फाइकोमाइसिटीज में भी आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड ओगैमस। बच्चों जो फाइकोमाइसिटीज क्लास है जिसमें एल्गल फंजाई, मैंने कहा था इनको एल्गल फंजाई, लोअर फंजाई भी बोल देते हैं, ए सेप्टेट हाइफी होता, बाकी सब में सेप्टेट ब्रांच माइसीलियम है, ध्यान रखिएगा, इसमें केवल ए सेप्टेट सीनोसेटिक माइसीलियम है फाइकोमाइसिटीज में, बाकी सब में क्रॉस बॉल हैं, बाकी सब में क्रॉस बॉल यानी मतलब सेप्टा बने हुए हैं, यानी मतलब सेप्टेट माइसीलियम पाया जाता है, सेप्टेट ब्रांच माइसीलियम पाया जाता है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। लेकिन बात कर रहे हैं फाइकोमाइसिटीज की जिसमें ए सेप्टेट सीनोसेटिक माइसीलियम पाया जाता है। चलिए बच्चों, ये जो फाइकोमाइसिटीज हैं, दिस फाइकोमाइसिटीज क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, ये दो ग्रुप में डिवाइड की गई, एक ग्रुप बच्चों इसका कहलाता है ओमाइसिटीज और दूसरा बच्चों कहलाता है जाइगोमाइसिटीज। दूसरा क्या कहलाता है? जाइगोमाइसिटीज। बच्चों दो ग्रुप में फाइकोमाइसिटीज को डिवाइड किया गया है, ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे ओमाइसिटीज हो जिसके अंदर फाइटोफैथोरा इन्फेस्टेंस आते हैं, जिसके अंदर फाइटियम स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें स्क्लेरोस्पोरा पाया जाता है, एल्बिगो कैंडिडा पाया जाता है और सेप्रोलेग्निया पाया जाता है जो कि सैल्मन फिश में डिजीज कॉज करता है। मैंने क्या बताया, ओमाइसिटीज के अंदर जो एग्जाम्पल्स पाए जाते हैं, बात करता हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ ओमाइसिटीज। नंबर वन इज फाइटोफैथोरा, जो फाइटोफैथोरा इन्फेस्टेंस है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज करता है। कौन सी डिजीज कॉज करता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज करता है। कौन? फाइटोफैथोरा। क्लियर बात हो गई बेटा? नाउ इसी तरीके से एल्बिगो कैंडिडा जो ओमाइसिटीज ग्रुप में आता है फाइकोमाइसिटीज क्लास में, एल्बिगो कैंडिडा जो बच्चों एल्बिगो कैंडिडा है, मैंने अभी बताया था आपको, ये वाइट रस्ट या वाइट स्पॉट डिजीज कॉज करता है। किन प्लांट्स में? फैमिली क्रूसीफेराई में। क्लियर बात हुआ? ठीक इसी तरीके से जो ओमाइसिटीज में एक और फंजाई का एग्जांपल देना चाहूँगा, उसको कहते हैं सेप्रोलेग्निया स्पीसीज का नाम पैरासिटिका, सेप्रोलेग्निया पैरासिटिका। बच्चों जो ये सेप्रोलेग्निया पैरासिटिका है, इट कॉज डिजीज इन सैल्मन फिश, जो सैल्मन फिश है उसमें डिजीज कॉज करने वाली फंगस सेप्रोलेग्निया पैरासिटिका, जो कि ओमाइसिटीज क्लास में आती है। तो आपने देखा फाइकोमाइसिटीज को दो ग्रुप में डिवाइड किया, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। चलिए बात करता हूँ जाइगोमाइसिटीज की, जाइगोमाइसिटीज। बच्चों जो जाइगोमाइसिटीज का इसका ग्रुप है, इस जाइगोमाइसिटीज में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जाइगोमाइसिटीज, जो जाइगोमाइसिटीज है उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? स्पोरेंजियोस्पोर्स। किससे होता है? स्पोरेंजियोस्पोर्स से होता है। क्लियर बात हुई?
ठीक इसी तरीके से जो माई सिटीज़ है क्लास, जिसके अंदर आपने फाइटोफेथोरा, एल्बिगो कैंडिडा, सेप्रोलेग्निया पैरासिटिका एग्जाम्पल देखे, उसमें भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियो स्पोर से होता है। किससे होता है? स्पोरेंजियो स्पोर से होता है। क्लियर बात हो गई बच्चों? जो ये जाइगोमाइसिटीज है, इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है उस एग्जाम्पल को हम कहते हैं, कह सकते हैं मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल राइजोपस, राइजोपस एंड म्यूकर, दो एग्जाम्पल हैं राइजोपस एंड म्यूकर। बच्चों जो राइजोपस है इनको कहते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड। क्यों? क्योंकि दे प्रेफर टू ग्रो ऑन ब्रेड, दे प्रेफर टू ग्रो ऑन ब्रेड, दैट्स वाई दे आर नोन एज ब्रेड मोल्ड। क्या कहलाते हैं ये? ब्रेड मोल्ड कहलाते हैं, क्योंकि ये ब्रेड पे ग्रो करना पसंद करते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? जो टिप होती है माइसीलियम की, राइजोपस की, वो ब्लैक इन कलर होती है। कैसी होती है? ब्लैक इन कलर होती है। इसलिए फंगस कैसा दिखता है? ब्लैक कलर का दिखता है। क्लियर बात हुई? चलिए बात करते हैं राइजोपस में, राइजोपस के स्ट्रक्चर की। अब मैं इस डायग्राम को हटाता हूँ, एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ जिसमें राइजोपस का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों ग्रुप में जो जाइगोमाइसिटीज थी बच्चों, उसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो ओमाइसिटीज थी दोनों के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियो स्पोर से होता है। क्लियर? नाउ लेट्स सी द डायग्राम ऑफ दिस जाइगोमाइसिटीज राइजोपस। जरा यहाँ से स्पोरेंजियो स्पोर आपको क्लियर होगा बच्चों। एक ये हाई सी आई, एक ये हाई सी है, एक ये हाई सी है, एक ये हाई सी बन गई, एक ये हाई सी बन गई, एक ये हाई सी बन गई। क्लियर हुआ? इसमें तीन हाई सी हैं, नंबर वन, देन दोनों वर्टिकल हाई सी को कनेक्ट करने वाली नंबर टू, दूसरा हाइफा, और नंबर थ्री। क्लियर बात हुई बच्चों? ये जो वर्टिकल हाइफी निकली हुई है, इसी के ऊपर स्पोरेंजियम बनेगा। क्या बनेगा? स्पोरेंजियम, यही स्पोरेंजियम बनाएंगे। द टिप ऑफ द स्पेशल हाइफी इज स्वेल्स अप एंड बिहेव लाइक स्पोरेंजियम। किसका काम करेगी बच्चों? स्पोरेंजियम का। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा फाइकोमाइसिटीज में, जो दो ग्रुप में मैंने डिवाइड कर दिया था, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज, दोनों में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियो स्पोर से होता है। और जो स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं, जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं, वो कहलाता है स्पोरेंजियम। और वो हाइफी जिसकी टिप पर स्पोरेंजियम होता है बच्चों, उसको कहते हैं स्पोरेंजियो फोर हाइफी। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियो फोर। जैसे कोनिडिया जिसके ऊपर डेवलप होते थे, उसको कोनिडियो फोर पढ़ते थे, इसी तरीके से जिसमें स्पोरेंजियम डेवलप होगा जिस हाइफी पर, उसको स्पोरेंजियो फोर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्पोरेंजियो फोर पढ़ेंगे। क्लियर बात हुई ना बच्चों? ध्यान दीजिएगा, अब ये वर्टिकल हाइफी आपस में कनेक्ट है, तो उस हाइफी को कह देते हैं नंबर दो वाली जो हाइफी है, दिस हाइफी इज नोन एज स्टोलन। क्या कहलाती है? स्टोलन हाइफी। तो पहली हाइफी स्पोरेंजियो फोर राइजोपस की बॉडी में, जिसके ऊपर क्या डेवलप हो रहा है? स्पोरेंजियम। दूसरा जो वर्टिकल हाइफी को कनेक्ट किए हुए स्टोलन हाइफी, दूसरे तरह की हाइफी भी इसी में देखने को मिल गई, इसलिए मैं राइजोपस पढ़ा रहा हूँ। और तीसरा जो सबस्ट्रेटम से जोड़ रहा है, रूट की तरह काम कर रहा है, उसको कह देते हैं बच्चों राइजोइडल हाइफी। क्या कह देते हैं? राइजोइडल हाइफी। तो आपने देखा ये जो राइजोपस है, जो आपका जाइगोमाइसिटीज ग्रुप में आता है फाइकोमाइसिटीज क्लास में, उसमें तीन तरीके की हाइफी हैं, वर्टिकल हाइफी, स्पोरेंजियो फोर जिसके ऊपर डेवलप हो रहा है स्पोरेंजियम, और इसी स्पोरेंजियम में एंडोजिनसली, क्योंकि अंदर बन रहे हैं ना, ब्लैक कलर के स्पोर्स डेवलप होते हैं, जो कहलाते हैं स्पोरेंजियो स्पोर। क्या कहलाते हैं?
स्पोरेंजियो स्पोर्स, क्या कहलाते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर्स। जो मैंने बात की थी कि ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज जो दोनों ग्रुप हैं फाइकोमाइसिटीज क्लास के, जो पहली क्लास इस लेक्चर में मैं ले रहा हूँ, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियो स्पोर्स से हो रहा है, जो एंड्रोजिनसली, मेरी बातों में ध्यान दीजिएगा, यानी अंदर बन रहे हैं, किसके बन रहे हैं, स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं। जो स्पोरेंजियो फोर की जो टिप है वो स्वेल्स अप होकर बिहेव लाइक स्पोरेंजियम, एंड विद इन द स्पोरेंजियम दे आर ब्लैक कलर, स्पोरेंजियो स्पोर्स आर प्रोड्यूस विच आर मोर देन 100, सो देयर चांस ऑफ सर्वाइवल इज मोर। क्लियर हुआ? नाउ वर्टिकल हाइफी को कनेक्ट करने वाले स्टोलन हाइफी, और दोनों वर्टिकल और स्टोलन को सबस्ट्रेटम से जोड़ने के लिए, जैसे रूट काम करती है प्लांट में, उसके लिए कौन सी हाइफी, राइजोइडल हाइफी। तो बच्चों यही स्पोरेंजियम की वॉल काफ़ी फ्रजाइल होती है और टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होकर ये स्पोर्स बाहर रिलीज हो जाते हैं और अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोट ले लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये प्रोटेक्टिव कोट रप्चर्ड होता है और ये स्पोर डेवलप हो जाते हैं और नया माइसीलियम बना देते हैं राइजोपस का, क्योंकि आप राइजोपस की स्टडी कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइकोमाइसिटीज। क्लियर बात हुई? तो आज हम लोगों ने क्लास फाइकोमाइसिटीज के बारे में जाना कि इसको एल्गल फंजाई भी बोलते हैं, लोअर फंजाई भी बोलते हैं, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोटाइल जू स्पोर्स, नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर्स और कोनिडिया से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड उगैमस टाइप होता है, ये भी जाना। हमने ये भी जाना कि ये डिकेइंग वुड पर, जो डैम्प और मॉइस्ट प्लेस पे होती, उनमें पाया जाता है, ये भी जाना। हमने ये भी जाना कि जो फंजाई है इसके अंदर वो पैरासिटिक फंजाई भी हैं, जैसे मैंने एल्बिगो कैंडिडा आपको बताया, सेप्रोलेग्निया आपको बताया, और मैंने आपको फाइटोफेथोरा दिया नाम, इन केस आप ओमाइसिटीज। क्लियर हुआ? राइजोपस और म्यूकर, जिनको ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ये जाइगोमाइसिटीज ग्रुप के मेंबर हैं, लेकिन दोनों ग्रुप जाइगोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियो स्पोर्स से होता है, जिसकी आपने डिटेल्ड स्टडी देखी राइजोपस में कि तीन तरीके की हाइफी का बना हुआ है, और जिस हाइफी पर स्पोरेंजियम डेवलप है उसको स्पोरेंजियो फोर हाइफी बोलते हैं। क्लियर हुआ? और इस स्पोरेंजियम के अंदर ब्लैक कलर के स्पोर्स स्पोरेंजियो स्पोर्स कहलाते हैं, जो स्पोरेंजियम की वॉल टूटने के बाद रिलीज होते हैं और जर्मिनेट हो जाते हैं नए माइसीलियम में। क्लियर हुआ? तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइकोमाइसिटीज, जिसका माइसीलियम कैसा था बच्चों, एसेप्टेट सीनोसाइटिक माइसीलियम। थैंक यू वेरी मच।